नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 30 अप्रैल। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। बिहार में कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिन के मुताबिक बिहार में प्रभावितों का आंकड़ा 403 पहुंच चुका है। खबरों की माने तो पाए गए मरीज दरभंगा, रोहतास, पटना, पश्चिम चंपारण के हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्ते में आकर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करवाने का ऐलान जारी किया है। वहीं लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है। इसके साथ ही बीते दिन बिहार से राहत भरी खबर सामने आते हुए 20 मरीजों के ठीक होने की बात भी सामने आई है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद जारी की है। बंद में बाहर फंसे लोगों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को लेकर केंद्र सरकार ने अब अपना फैसला सुनाते हुए बड़ी राहत दी है, जिसके तहत मोदी सरकार ने प्रदेश में फंसे मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और अन्य लोगों को घर वापसी के लिए कुछ शर्तों के साथ छूट देने का ऐलान किया है, जिसके बाद 17 शर्तों के बाद बंद के बीच मजदूरों, तीर्थयात्रियों को अब एक बार फिर से घर आने का मौका मिलेगा, जिसके बाद अब बिहार के बाहर फंसे मजदूर और छात्रों के घर वापसी का रास्ता साफ हो गया। हालांकि बाहर से आने वाले सभी लोगों को सरकार द्वारा जारी किए गए जरूरी दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी बताया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग में 8 एजेंडों पर लगी मुहर। बंद के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जिसमें कुल मिलाकर 8 एजेंडे पर मुहर लगाई गई है। खबरों के माने तो नीतीश सरकार ने ग्रामीण इलाके में 18.18 लाख परिवार को ₹1,000 देने का ऐलान किया है। वहीं लंबित कार्डधारियों को भी अब ₹1,000 देने का ऐलान जारी किया है। साथ ही शहरी क्षेत्र में रहने वाले 3.24 लाख परिवार को भी ₹1,000 देने का ऐलान जारी किया गया है। सरकार ने गाड़ियों के टैक्स जमा करने पर भी बड़ी छूट दी है, जिससे कि अब सभी लोग अपने मालवाहक पैसेंजर आदि के टैक्स को 30 जून 2020 तक भर सकते हैं। कोविड-19 की चेन तोड़ने की हो रही है बड़ी तैयारी। कोविड-19 की चेन तोड़ने की बड़ी तैयारी हो रही है, जिसके तहत आज से पूरे बिहार में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने देते हुए यह कहा है कि बिहार में अब तक 21,500 से ज्यादा सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। वहीं अब 21,000 से ज्यादा जांच किट की भी खपत हो चुकी है। राज्य सरकार ने 50,000 से ज्यादा किट मंगवाई थी, जिनमें 40,000 किट अभी स्टॉक में बची हुई है। वहीं आपको बता दें, बिहार में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार बड़े स्तर पर इसके रोकथाम की कोशिश में जुटी हुई है। आनंद किशोर बने पटना मेट्रो के एमडी। भूमि अधिग्रहण के लिए बनाए गए मास्टर प्लान में आनंद किशोर को पटना के एमडी का कार्यभार सौंपा गया है। आनंद किशोर को एमडी बनाने के कारण पटना मेट्रो में निदेशक के पद पर नामित ऊर्जा विभाग के सचिव विनोदानंद झा को हटा दिया गया है। आपको बता दें, नियमों के मुताबिक एमडी सहित बोर्ड ऑफ मेंबर में सिर्फ 5 लोग ही रह सकते हैं, और यही कारण है कि विनोद झा को उनके पद से हटा दिया गया है। वहीं पटना मेट्रो का एमडी बनते ही आनंद किशोर ने मेट्रो प्रोजेक्ट में काम में तेजी लाने का दिशा निर्देश जारी किया है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भूमि अधिग्रहण कार्य के लिए एक विशेष कोषांग का गठन भी दिया है। AES मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया आदेश। AES के मामले में मुजफ्फरपुर में दस्तक देने के बाद ही इसकी वजह से स्थिति हाथ से बाहर जाती दिखाई देने लगी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब समीक्षा बैठक की है और उसके बाद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य विभाग और संबंधित जिलों के DM के साथ AES के रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। वहीं इस काम के लिए आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को भी लगाया गया है। वहीं घर घर जाकर लोगों को इस बारे में जागरूक करने का काम भी सौंपा गया है। राज्य में आधा दर्जन नए किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को खोला जाएगा। राज्य में जल्द ही आधे दर्जन नए किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को खोला जाएगा। बाढ़ और भागलपुर में चल रहे ऐसे रेडियो स्टेशन की सफलता को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है, और साथ ही गया रेडियो स्टेशन पर राज्य सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। वहीं नए रेडियो स्टेशन के लिए लाइसेंस भी मुहैया करवा दिए गए हैं, जिसके बाद अब औरंगाबाद, पूर्णिया, खगड़िया, शेखपुरा में भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का प्रस्ताव सरकार ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय से मांग लिया है। हालांकि राज्य ने इससे पहले ही ऐसे 5 रेडियो स्टेशन को मंजूरी दे दी थी। सिर्फ कोरोना के लिए समर्पित अस्पतालों में मरीज की बढ़ती संख्या को देखते सरकार हुई परेशान। बिहार में लगातार कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों की कतार भी सभी अस्पतालों में बढ़ती जा रही है, जिसके बाद सरकार की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अब सभी जिलों के चिकित्सकों को आदेश जारी कर दिया है कि जिले में कोरोना प्रभावित पाए जाने के बाद उनका स्थानीय स्तर पर ही इलाज कराया जाए। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जानकारी देते हुए यह साफ कह दिया है कि किसी भी आशंकित मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसको तुरंत कोविड-19 अस्पताल में कर दिया जा रहा है, जबकि स्थानीय स्तर पर जिलों में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। तो यह ध्यान रखें कि शुरुआती समय में सभी मरीजों को आइसोलेशन सेंटर में ही रखा जाए।
बिहार के 29 जिलों में कोविड 19 का बढ़ा असर। कोविड 19 बिहार में बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। वहीं बिहार में 29 जिलों में कोविड 19 का असर फैल गया है। बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण के बाद पश्चिम चंपारण में भी कोरोना ने अपनी जद में बना ली है। बीते दिन पश्चिम चंपारण में भी कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। इसके बाद बिहार में कोविड 19 से प्रभावित व्यक्तियों का आंकड़ा 350 के पार पहुंच गया है। वहीं बिहार में हॉटस्पॉट इलाके को सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। वहीं लोगों से बार बार घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाले गए रिक्तियों पर आवेदन भरने की आज आखिरी तारीख। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी। स्वास्थ्य विभाग ने नर्सेस ANM के पदों पर आवेदनों की मांग की थी, जिसके आवेदन की आखिरी तारीख 9 अप्रैल तय की गई थी। हालांकि अब इन पदों पर आवेदन की तारीख को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था। खबरों की माने तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाली गई रिक्तियों में पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन के लिए योग्य करार किए गए हैं। इतना ही नहीं, इच्छुक अभ्यर्थियों के पास अप्लाई करने के लिए बस आज ही का समय बचा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से बिहार स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर जानकारी लेने की अपील की गई है। बिहार में 20 और मरीज हुए कोविड 19 से मुक्त। बिहार में 20 और मरीजों में कोविड 19 से मुक्त होने की खबर सामने आई है। इसके बाद सूबे में ठीक होने वालों का आंकड़ा 84 पहुंच गया है, जिसकी जानकारी बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह भी बताया है कि जहां एक तरफ बिहार में कोविड 19 होने वालों का संख्या बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वालों की दर में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि सभी बिहारवासियों के लिए एक राहत भरी खबर साबित होगी। वहीं अब बीते एक हफ्ते में बिहार में 240 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सकते में आ गया है। मुंगेर जिले की सीमा पर अब सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी नजर। बिहार के हॉटस्पॉट जिलों में शामिल हुए मुंगेर की सीमा पर अब सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी, क्योंकि बिहार में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है। अब तक मुंगेर जिले में प्रभावित व्यक्तियों का आंकड़ा 90 को पार कर चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीमा में प्रवेश करने वालों पर पैनी नजर रखने का ऐलान जारी किया है। साथ ही बैरिकेडिंग को मजबूत करने की भी पहल की है। सफाई एजेंसी की वजह से पटना एयरपोर्ट पर पहुंची कोविड 19 की चेन। कोविड 19 के बढ़ते असर में पटना धीरे धीरे आ रहा है। लगातार पटना में नए चेन का खुलासा हो रहा है। बीते दिन पटना एयरपोर्ट पर 5 सुरक्षा कर्मियों में कोविड 19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग इसकी चेन को तलाशने में लगा हुआ है। वहीं अब बीते दिन प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार एजेंसी नीमबिरू हार्बर फैसिलिटेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सुपरवाइजर समेत 54 सफाई कर्मी और ऑपरेटर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी नहीं समझ रहे थे और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही ग्लव्स और मास्क के बगैर ही एयरपोर्ट के डिस्पैचर समेत अन्य स्थानों की सफाई कर रहे थे, और यही कारण है कि एजेंसी के 4 कर्मी संक्रमित पाए गए हैं। वहीं सफाई एजेंसी को इस बाबत अब नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नंदकिशोर यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मांग। कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण बंद में मिली छूट के बाद कई योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन कई बड़ी योजनाएं अभी भी शुरू नहीं हो पाई है, और यही कारण है कि पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से केंद्रीय योजनाओं का काम जल्द से जल्द शुरू करवाने का आग्रह किया है। साथ ही बड़ी योजनाओं की निविदा का निष्पादन जल्द से जल्द करवाने की मांग भी उठाई है। आपको बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बिहार में चल रहे सड़क परियोजना पर चर्चा की, साथ ही अपनी मांग भी रखी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तर्ज पर ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज का विकल्प तलाशने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी सलाह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन राजधानी पटना को जल जमाव से बचाने के लिए हो रहे कामों की समीक्षा की है। वहीं अब अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश जारी करते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तर्ज पर ग्राउंड वाटर डिस्पैचर का विकल्प तलाशने का सुझाव दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जल जमाव से बचने के लिए तत्कालीन कृषि योजना के साथ दीर्घकालिक योजना बनाना आवश्यक है। इसके साथ ही सभी सम्प हाउस के लिए डेडिकेटेड फीटर के साथ वैकल्पिक इंतजाम करने का भी ऐलान जारी किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कमेटी के सुझाव के मुताबिक ही जल जमाव से बचने के लिए काम करने की सलाह दी है। किताब खरीदने की आखिरी तारीख आज तक। पटना के स्कूल और दुकानों पर किताब की बिक्री जोर शोर से चल रही है। वहीं जिला प्रशासन ने इसके लिए अंतिम तारीख 30 अप्रैल तक निर्धारित की थी, यानी कि अभिभावकों के पास किताब खरीदने के लिए बस आज की ही तारीख बची है। हालांकि बस आज का ही दिन बचे होने के कारण अभिभावक काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि किताब बिक्री के ऑनलाइन पेमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कि आम नागरिक की परेशानी और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको बता दें, छात्रों की समस्या को देखते हुए बीते दिन जिला प्रशासन ने कुछ दिनों के लिए सभी अभिभावकों को किताब खरीदने की छूट दी थी, जिसकी आखिरी तारीख आज समाप्त हो जाएगी। किसानों को कृषि इनपुट अनुदान के लिए 578 करोड़ की स्वीकृति। उक्त जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि बेमौसम बरसात के कारण जिन भी किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उनके लिए कृषि इनपुट अनुदान के तहत 578 करोड़ की राशि को स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत बंद के कारण मार्च महीने में हुई खराब फसलों को ध्यान में रखते हुए वंचितों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख को भी 4 मई के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं अप्रैल महीने में बर्बाद हुई फसलों के लिए भी जल्द ही राशि आवंटित कर दी जाएगी। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा है कि किसानों को बंद के इस माहौल में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार हर कदम में उनके साथ है।
मशहूर फिल्म अभिनेता इरफान खान ने दुनिया को कहा अलविदा। पीकू अंग्रेजी मीडियम जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का प्रमाण देने वाले इरफान खान ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है। खबरों की माने तो इरफान खान ने मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली है, जिसके बाद बॉलीवुड के गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं कई अभिनेताओं ने इरफान खान के जाने पर संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी फिल्म अभिनेता इरफान खान के दुनिया को अलविदा कहने पर अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्हें बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता बताया है। भगवान उन्हें शांति दे तथा उन्हें उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को धैर्य धारण करने की शक्ति देने की भी अपील की है। बिहार में गाड़ियों के टैक्स देने पर मिलेगी छूट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीते दिन कैबिनेट मीटिंग में गाड़ियों के टैक्स भुगतान में छूट देने का ऐलान जारी किया गया है, जिसके तहत अब वाहन मालिक 30 जून तक टैक्स को जमा कर सकते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में मालवाहक पैसेंजर जैसी गाड़ियों में छूट देने का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस बैठक में 8 अन्य मुद्दों पर मुहर लगाई गई है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने सभी जिलों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की भी समीक्षा की है। बिहार के 2 यूनिवर्सिटीज में नए कुलपतियों का किया गया नियुक्त। उक्त जानकारी राज्यपाल फागू चौहान ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार के 2 विश्वविद्यालयों में नए कुलपति की तैनाती की गई है, जिसके लिए सचिवालय को आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं सचिवालय को जारी किए गए आदेश में यह साफ तौर पर कहा गया है कि पटना विश्वविद्यालय तथा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए नए कुलपति की अस्थायी तौर पर प्रतिनियुक्ति की जा रही है। यह दोनों कुलपति 2 मई 2020 के प्रभाव से अपने मूल दायित्व के अतिरिक्त संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति के कार्यभार को संभालेंगे। हालांकि राज्यपाल फागू चौहान ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी यह दोनों कुलपति अस्थायी रूप से विश्वविद्यालय में नियुक्त किए गए हैं। AES को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए जरूरी अधिसूचना। जहां एक तरफ कोविड-19 ने सभी आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में AES ने दस्तक दे दी है, जिससे कई लोग प्रभावित होने की खबर सामने आई है। वहीं इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसके रोकथाम के लिए 18 एम्बुलेंस की तैनाती भी की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में 30 और एम्बुलेंस को इस काम के लिए लगाया जाएगा, ताकि सुदूर क्षेत्रों में मरीज को अस्पताल पहुंचाने में विलंब न हो और आर्थिक बोझ भी न देखना पड़े। बिहार के अंतर जिला चेकिंग पॉइंट पर जांच नहीं होने की खबर आई सामने। अंतर जिला चेकिंग पॉइंट्स पर बिहार में जांच नहीं होने की खबर सामने आई है, जिसके तहत गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने सभी DM और SP को पत्र लिखकर अंतर जिला सीमा पर व्यक्तियों और वाहनों के आवागमन पर प्रभारी ढंग से रोकने का निर्देश जारी किया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार कुछ दिनों से यह पाया जा रहा है कि बिहार के किसी एक जिले से प्रस्थान कर दूसरे जिले पहुंचने वाले व्यक्ति कोविड-19 से प्रभावित पाए गए हैं। यानी कि साफ तौर पर अंतर जिला चेकिंग पॉइंट पर सही तरीके से लोगों की जांच नहीं की जा रही है, और यही कारण है कि बिहार में प्रभावित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बंद में गंगा साफ हुई, लेकिन नहाने योग्य अभी भी नहीं है। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण यहाँ गंगा साफ होने की खबर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ यह भी साफ कर दिया गया है कि भले ही पानी साफ हो गया हो, लेकिन अभी भी नहाने योग्य नहीं बना है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के वैज्ञानिक SN जायसवाल ने बताया कि राजधानी के आसपास गंगा के पानी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा तो सुधरी है, लेकिन गंदे पानी की वजह से गंगा नदी अभी भी पूरी तरीके से साफ नहीं हुई। वैज्ञानिक संजय जायसवाल ने बताया कि गायघाट पर गंगा का पानी सबसे ज्यादा प्रभावित है। पिछले 3 साल में गायघाट का पानी उपयोग योग्य नहीं बचा है। कपिल देव ने सचिन तेंदुलकर को लेकर कही अहम बात। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी कपिल देव ने हाल ही में सचिन तेंदुलकर को लेकर कई अहम बातें कही हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सचिन अपने करियर में जितना हासिल किया है, वह उससे ज्यादा हासिल कर सकते थे। रेडियो सिटी से बातचीत के दौरान कपिल देव ने उक्त बातें कही हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब भी मैं कुछ कहता हूं, तो लोग इसको गलत समझ लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सचिन तेंदुलकर भारत के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर हैं। मैं सोचता हूं कि सचिन ने क्रिकेट में जो हासिल किया, वह अपने टैलेंट के दम पर उससे ज्यादा हासिल कर सकते थे। इतना ही नहीं, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने सचिन तेंदुलकर की तारीफ करते हुए कहा कि सचिन ने अपने 24 साल के क्रिकेट को दिए हैं, और वही भारत के नाम जीत भी दर्ज करवाई है। जून से पहले गूगल के ऑफिस में नहीं दिखेंगे कर्मचारी। उक्त आदेश गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बंद के समय में कई लोग घर से ही काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जून से पहले कर्मचारी अब दफ्तर में नहीं दिखाई देंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में सभी कर्मचारियों को ईमेल के जरिए सूचित भी किया जा चुका है। ईमेल में सुंदर पिचाई ने कहा है कि लंबे समय तक घर पर काम करने के बाद कर्मचारियों को ऑफिस आना चौंकाने वाला होगा, लेकिन 1 जून से पहले यह संभव नहीं हो पाएगा। तब तक सभी कर्मी अपने घर से ही काम करेंगे, जो अभी तक करते आए हैं, क्योंकि कोविड-19 का मामला लगातार बताई जा रहा है। ऐसे में लोगों की आवाजाही अगर शुरू हुई तो इसके फैलने के आसार बढ़ सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है संजीत कुमार, सूरज मोहन, संजय कुमार, गौरी देवी, निकी कुमारी, आलोक कुमार उपाध्याय, आनंद कुमार, सूर्या सिंह, अलका कुमारी, सूर्य नारायण राय, मनोज कुमार, मोहम्मद सरफराज आलम, निर्भय कुमार,
सुधांशु सैनी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दूसरे राज्यों में रह रहे लोगों को उनके राज्य में वापस भेजने के फैसले से आप कितने सहमत हैं कितने नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।